मावेटी किचन आपका स्वागत करता है। आज मैं बनाऊंगी कुल्फी, जो कि मैंने बहुत ही सरल तरीके से बनाया है, जिसे सब लोग बना सकते हैं। तो चलिए हम इसे बना लें। इसे बनाने के लिए हमने लिया है फुल क्रीम मिल्क 2 ग्लास, चीनी 3 चम्मच, पार्ले जी बिस्किट 5 से 6, इलायची का पाउडर, आरारूट पाउडर आधी चम्मच, टूटी फूटी। गैस हमने ऑन कर ली है और दूध को पकाने के लिए रख दिया है। दूध में उबाल आ गई है तो हम इसे चलाते हुए धीमी आंच में 5 मिनट के लिए पका लेते हैं। आरारूट को हमने थोड़े से पानी में घोल लिया है और यहाँ पे हमारा दूध भी पक गया है, 5 मिनट हो गए हैं। तो अब हम इस आरारूट को इसी में डाल देते हैं और 2 मिनट के लिए फिर से पका लेते हैं। आरारूट डालने के बाद हम 2 मिनट तक इसे पकाएंगे, जब तक दूध में उबाल ना आ जाए। दूध में उबाल आ जाए तो हम गैस को बंद कर देंगे। दूध को हमने निकाल लिया है और ये हल्का गर्म है। अब इसमें हम पार्ले जी बिस्किट डाल देते हैं इस तरीके से तोड़कर। अब हम इसमें चीनी डालेंगे। चीनी हमने सिर्फ 3 चम्मच ली है क्योंकि पार्ले जी बिस्किट भी थोड़ा मीठा होता है। और साथ ही इलायची का पाउडर इसे भी डालेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। दूध हमारा गर्म है तो 2 मिनट के बाद ये बिस्किट फूल जाएगी और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब बिस्किट हमारी अच्छे से घुलनी चाहिए, बिस्किट के टुकड़े एक भी नहीं रहने चाहिए। यहाँ पर हमने प्लास्टिक के छोटे गिलास लिए हैं, इसी में आज हम कुल्फी जमाएंगे। तो सबसे पहले हम गिलास में थोड़ी सी टूटी फूटी को डाल लेते हैं। टूटी फूटी हमने डाल लिया है तो अब हम कुल्फी बनाने के लिए जो हमने बैटर बनाया था उसे डाल लेते हैं। हमने यहाँ पे कार्डबोर्ड लिए हैं जिसके बीचों बीच हमने कट लगाए हैं, तो इसी से आइसक्रीम के ऊपर हम सेट कर लेते हैं इस तरीके से, इस तरफ भी। आइसक्रीम स्टिक हमने लगा दी है, अब हम इसको फ्रीजर में रख देते हैं सेट होने के लिए। कुल्फी हमारी जम के तैयार है, अब हम इसको निकाल लेते हैं। थोड़ा सा हाथ से ऐसे करेंगे घुमाते हुए, बहुत ही आसानी से निकल आएगी। देख सकते हैं कितनी अच्छी कुल्फी बनी है हमारी, एकदम जम के तैयार है। कुल्फी हमारी दोनों तैयार है, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी है कुल्फी जमी है। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।